स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत लोगों को आया भी होगा। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर लिखा है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3। तो मतलब ये सारा रिड्यूस होके हमारा फाइनली एक सिंपल सा आंसर आ जाएगा 3। देखते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बोला था कि कभी भी अगर लॉग में बड़ा नंबर दिया है, हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो उससे पहले क्या किया हमने, 24, 96, 12 और 192 को इनको प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में लिख लिया। तो पहले मैंने 24 को लिखा, तो 24 को कैसे करूंगा मैं, देखो एक तो डायरेक्टली जिसको जिसके अच्छा है मैथमेटिक्स, मतलब जिसको फिगर्स जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो, वो डायरेक्टली लिख लेगा। जनरल तरीका क्या है, ऐसे कैसे, जैसे मैंने लिखा 2, 1, 12, 2, कितना गया 6, 2, 3, 3, 1। तो 3 to the 6 to the 12 to the 24, तो 24 कैन बी रिटर्न एज 2³ × 3। सिमिलरली 2 तो 9, सिमिलरली हम 96 को देखते हैं, 96, तो वैसे ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते, 24 × 9 होता, 24 × 4 96 होता। तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली टेल कि जो हमारा 96 है वो क्या आने वाला है, 4 × 24, मतलब इसमें 2 की पावर 2 बढ़ जाएगी, तो 2 की पावर 5 इंटू 3। मैं डायरेक्टली ऐसे लिख ले, तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो करके। फिर आएगा हमारा 192, तो 192 भी क्या है, 96 × 2, तो दिस इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा, तो उधर लिख लेता हूँ मैं 192 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू दिस नंबर, तो 2 की पावर 6 इंटू 3। और लास्टली हमारा 12 दिया है, आई थिंक 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 3, तो 2² × 3। ठीक है, ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया आधा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर, देखना ध्यान से, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, इतने पार्ट को देखना। अब क्या किया, इन वैल्यूज को प्लग किया LHS में, तो ये मेरा कहता है लॉग ऑफ 24 को लिखा 2³ × 3 to the base 2। अच्छा अब देखना, पहले सबसे पहले चीज इसको मैं देखो, मेरा एम क्या होता है कि आई वॉन्ट कि जो लॉग हो ना, जितनी भी जगह लॉग्स हो, याद रखना मेरे वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ, जहां भी लॉग लॉग यूज हुआ हो, हर एक लॉग का बेस सेम हो, दिस इज माई फर्स्ट क्राइटेरिया इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। तो इधर मैं देख रहा हूँ कि इधर बेस 96 से इधर 2 है, तो किसी तरीके से 2 इधर आ जाए तो हो जाएगा हमारा काम। वो आएगा कैसे, बेस चेंजिंग थ्योरम, मैं इस वाले लॉग को ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 96 टू द बेस 2, 96 को ये लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू 3 टू द बेस 2। क्लियर है बच्चों? चलो अब आते हैं माइनस, तो लॉग ऑफ 192 और 192 इज 2 की पावर 6 इंटू 3। सिमिलरली हियर आल्सो सेम, जो मैंने एक्सप्लेनेशन इधर दिया, आई वांट बेस टू बी 2, तो ये 2 मुझे इधर चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस, तो क्या करूं, बेस चेंजिंग थ्योरम, इस वाले लॉग को ऊपर लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 12 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 12 टू द बेस 2, 12 को लिख सकता हूं 2² × 3 टू द बेस 2। सो हियर एवरी लॉग इज नाउ विद द बेस 2, तो हमारा काम हो गया काफी हद तक। अब क्या करें, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखना, अब मैं इधर दो फॉर्मूले लगा रहा हूँ, एक तो लॉग ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, देखना मैं कौन कौन से लगा रहा हूँ, इधर साइड में लिख रहा हूँ, लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बी, और एक लगाऊंगा लॉग ऑफ ए की पावर के टू द बेस बी इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग ए टू द बेस बी। इन दोनों का मैं फॉर्मूला इधर लगा रहा हूँ, पहले इस वाले लॉग पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3 बेस 2 बेस 2 लॉग ए बी, अभी तक लॉग ए बी लगा, ठीक है, और एक और लगाऊंगा मैं इधर लॉग ए टू द बेस ए इज 1। अब ये 3 को मैं आगे ले सकता हूँ इस वाले प्रॉपर्टी से, तो ये क्या हो गया 3 लॉग 2 टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, और लॉग 2 टू द बेस 2 क्या हो गया 1, तो ये फाइनली वी आर रिड्यूस विद 3 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। ठीक है, समझ में, ये मेरा ये वाला लॉग है अभी। अच्छा मैं ब्रैकेट लगाते जाता हूँ, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला अब ये वाला लॉग लिख रहे हैं हम, देखना ध्यान से, इधर भी यही वाला लगाऊंगा लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 की पावर 5 टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। ठीक है, अच्छा फिर ये मेरा हो गया 5 आ गया, तो 5 लॉग 2 टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2। फाइनली इधर क्या माना 5, और ये log 2 द बेस 2 इज 1, तो 5 प्लस log 3 टू द बेस 2 माइनस माइनस माइनस।
अब इस पे आते हैं, तो देखो अब तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। पहले हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, फिर ये 6 आगे आ रहा है, लॉग 2 द 2 बेस 2 1 हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इधर लिख दूं, देखो क्या आएगा, देखा अगर तुम्हारा थोड़ा भी कैलकुलेशन फास्ट होगा तो ये देखो क्या होगा, लॉग ऑफ 2 की पावर 6 प्लस लॉग 3 आएगा, फिर 2 की पावर 6 में 6 आगे आएगा, फिर लॉग 2 टू द बेस 2 1 हो जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 6 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, 6 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, और सेकंड ब्रैकेट इधर देखो, ये 2 अगेन आगे आएगा तो क्या बनेगा, 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, क्लियर है, समझ में आया। अब बस ओपन कर दो ब्रैकेट्स, तो अगर ये करेक्ट होगा तो हमारा सिंपलीफाई होकर 3 आ जाएगा, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो लेट मी रब दिस पार्ट, देखना मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम लोग कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। देखो 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 लॉग 3 तो हो जाएगा 3 लॉग 3 टू द बेस 2, फिर लॉग 3 टू द बेस 2 इंटू 5 तो प्लस 5 लॉग 3 टू द बेस 2, लॉग 3 टू द बेस 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 का स्क्वायर, ये कौन सा टर्म है मेरा अभी यहाँ तक का, अभी जो मैंने लिखा वो इतना पार्ट है। अब माइनस, अब नेक्स्ट, अब ये वाला लिखते हैं, तो 6 टू द 12, 6 इंटू दिस 6 लॉग 3 टू द बेस 2, फिर लॉग 3 टू द बेस 2 इंटू 2 प्लस ट्वाइस लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 का स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट। अब देखना ध्यान से, मैं इसी स्टेप में बता रहा हूँ, देखना ये लॉग 3 टू द बेस 2 का स्क्वायर ये माइनस है तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 प्लस 5 8 लॉग 3 टू द बेस 2, और इधर क्या लिखा है 6 प्लस 2 8 लॉग 3 टू द बेस 2, और बीच में माइनस है तो ये दोनों टर्म मिला के इन दोनों टर्म से कैंसिल हो गए, तो फाइनली वी आर रिड्यूस विद 15 माइनस 12 विच इज 3, और भाई मुझे प्रूफ करना था, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन है माना जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम क्या था कल, ये भी एक इंटरेस्ट अच्छा क्वेश्चन है, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत बारीक बारीक चीजें हैं इसमें, हम देखेंगे अभी। क्या लिखा था, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन सॉल्व 2 लॉग ए टू द बेस एक्स प्लस लॉग ए टू द बेस ए एक्स प्लस 3 लॉग ए टू द बेस ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक मैं बोल सकता हूँ जितने भी लॉग के क्वेश्चन किए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो पहली बात सॉल्व करना मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बोला है सॉल्व मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज निकालना। अच्छा अब उसमें इसने क्या हो रखा है ना कि इसने हमें इक्वेशन में ए और इन्वॉल्व कर रखा है, ए सम कॉन्स्टेंट, ऑफकोर्स ए जो है हमारा वो कॉन्स्टेंट है, बट उसने उस कॉन्स्टेंट के बारे में क्या बोल रखा है कि वो जो कॉन्स्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, बाकी कुछ नहीं पता। क्या बोला, वो जो कॉन्स्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 है और कुछ नहीं पता मुझे उसके बारे में, तो फिर हमें थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। कैसे, अब देखना, तो पहले हम देख लेते हैं कि लॉग जो ए है वो क्या फर्क डाल रहा है। देखो अच्छा एक और चीज हम क्या देखेंगे कि जो हमारे लॉग के टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने पहले तुम लोगों को बोला है कि हमारा टारगेट क्या होता है कि जितने भी लॉग्स के टर्म्स दिए हैं उसमें हमारा बेस सेम हो, तो अभी तो इसमें बेस एक्स है, इसमें ए एक्स है, इसमें ए स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अच्छा तो देखना मैंने क्या लिखा, तो मैं इस टर्म को अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इस लॉग का बेस भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 2 अपॉन लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ ए एक्स टू द बेस ए प्लस 3 अपॉन लॉग ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू द बेस ए। एक तो ये चीज हो गई, अभी हम इस पे आते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले एक चीज और छोटी सी। अच्छा सुनना, अगर मान लो, एक मिनट सुनना पहले ध्यान से, अगर मान लो ए वन हो गया, ए अगर वन हो गया तो क्या मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ, पहले खुद सोचो, जस्ट थिंक इट वंस, इफ ए इज इक्वल टू 1 कैन आई राइट, कैन आई मूव फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, नो, क्यों,
क्योंकि इधर हम बेस में लेके जा रहे हैं ए को, अगर ए वन हो गया तो बेस कैन नॉट बी वन, तो ये तो अनडिफाइंड हो गई ना क्वांटिटीज जो भी नीचे लिखी है, क्योंकि अगर ए वन हो गया तो दिस इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू वन के लिए इसका एनालिसिस अलग रखेंगे, इफ ए नॉट इक्वल टू वन के लिए एनालिसिस अलग रखेंगे, समझ में। इसीलिए मैंने बोला था कि जो सोल्यूशन है ना हमारा एक्स, दैट विल इज ए डिपेंडेंट, इसलिए थोड़ा हार्ड है ये क्वेश्चन, फिलहाल अच्छे कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, देखना इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इफ ए इक्वल्स टू वन तब उसके लिए सॉल्व करेंगे, और इधर मैं लिख रहा हूं, इधर क्या लिखूं फिर मैं, इफ ए नॉट इक्वल टू वन, तो नॉट इक्वल टू वन के लिए तो मैं लॉग को इसको नीचे लेके जा सकता हूं, तब मेरा बेस ए हो सकता है, बट ए इज इक्वल टू वन के लिए आई कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, समझ में आया, क्यों, क्योंकि इधर बेस ए दिया है। चलो तो पहले एक काम करते हैं, उसका एनालिसिस कर लेते हैं, वो बहुत आसान पार्ट है। क्यों आसान है देखना, ये तो इसने खुद दे दिया कि ए वन के लिए एनालिसिस करो, मतलब ए को वैल्यू वन डाल दी, अब हम देख लेते हैं ए वन, ए की जगह इसमें वन रख के देख ले, वन रख देते हैं, तो ए की जगह व्हेन यू विल पुट वन, व्हाट यू विल गेट, लॉग वन जीरो, लॉग वन जीरो, लॉग वन जीरो, तो यू विल गेट जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, सुनना भी, क्या मैंने यो ये लिखा है x belongs to r, क्या ये करेक्ट है, पहले वीडियो पॉज करके सोचो। देखो जब मैंने a को 1 रखा, मैं a is equal to 1 के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर a not equal to 1 के लिए करूँगा, a is equal to 1 के लिए मेरी इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो गई, 0 is equal to 0, तो मैं बोल सकता हूँ 0 0 के बराबर हमेशा है, x कुछ भी डालू तो x should be belongs to r, बट क्या ये गलत है या सही है, ये तुम सोचो दो मिनट के लिए पॉज करके, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट दिस इज नॉट करेक्ट, क्यों, x बिलोंग्स टू r, हमने इसके लिए बोल तो दिया, बट पहले उससे पहले हमें देखना चाहिए x कहाँ आ रहा है, x बेस में आ रहा है, x बेस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, तो क्या बोलूंगा मैं, मैंने बोला x जो हमारा होना चाहिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, दिस इज माय सॉल्यूशन फॉर x इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज डिपेंडेंट, a पे डिपेंड कर रहा है, a अगर 1 है तो मेरा सॉल्यूशन ये है, अगर a नहीं है तब क्या होगा, तब हम इधर अभी सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने बोला ये बहुत ही अच्छा कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो अब हम मूव करते हैं इस, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 1, जब a 1 के बराबर नहीं है तो मैं इस स्टेप से इसकी तरफ मूव कर सकता हूं, ऐसा किया क्यों मैंने, बिकॉज आई वॉन्ट बेस इन एवरी टर्म वेयर एवर लॉग इज देयर, आई वॉन्ट बेस ऑफ ऑल दोज लॉग शुड बी सेम, फॉर दैट आई हैव टेकन, आई हैव अप्लाइड बेस चेंजिंग थ्योरम, मैंने इन डिनोमिनेटर में लेके गया। अब ओपन करते हैं, अब क्या किया देखना, 2 अपॉन ये तो हो गया लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए प्लस लॉग एक्स, तो ये किसमें हो जाएगा लॉग, देखना इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनना मैं डायरेक्टली स्टेप लिखूंगा, लॉग ए प्लस लॉग एक्स, और बेस दोनों में ए है तो ये क्या हो गया, लॉग ए टू द बेस ए 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए, तो 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए, ये कैसे आया 1, एक्चुअली ये लॉग ए टू द बेस ए लिखा है और लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है। चलो प्लस 3 अपॉन, सिमिलरली इसको भी मैं पहले दो में ब्रेक करूंगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, और फिर लॉग ऑफ ए स्क्वायर को क्या करूंगा 2 लॉग ए, और लॉग ए टू द बेस ए 1 हो जाएगा, तो फाइनली दिस विल बी रिड्यूस टू 2 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए, दिस इज गिवन एज 0। अब मुझे सॉल्व करना है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, देखो log x टू द बेस a है ना, थोड़ा बल्की सा लग रहा है, बड़ा सा टर्म, इसको मैं छोटा सा मान लेता हूँ, फिर हम बाद में x निकाल लेंगे, तो मैंने मान लिया let log of x टू द बेस a is equal to t, तो ये किसमें रिड्यूस हो गया 2 अपॉन t, ऐसा क्यों किया मैंने, जस्ट कि हमें थोड़ा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन देखे, log x टू द बेस a, log x टू द बेस a हर एक जगह है ना, तो उसको t मान लिया, जो भी उसकी वैल्यू आएगी t की हम उसको इक्वेट कर देंगे log x टू द बेस a की, तो 2 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस t, दिस इज 0। अब क्या करें, t के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं, एक बार पॉज करके जस्ट कॉपी है, ठीक है। चलो अब देखना,
तो सॉल्व किया, सॉल्व कैसे करें, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखना था, ध्यान से पूरा सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। 1 प्लस थ्री इंटू टू प्लस थ्री, फिर प्लस इसके इसके ऊपर आएगा टी इंटू टू प्लस थ्री, टी इंटू टू प्लस थ्री, प्लस इसके ऊपर आएगा थ्री टाइम्स टी इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। नीचे जो भी आएगा टी इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू प्लस थ्री उसको जीरो के पास ले गए, ठीक है। इनइक्वालिटी तो है ना, इक्वालिटी है तो नीचे वाले टर्म तो जीरो के पास ले जाएंगे। क्या बोला मैंने, नीचे जो भी इसके डिनोमिनेटर में लिखा एलसीएम लेने का उसको जीरो के पास ले गया। नाउ दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे, जब ओपन करोगे तो मैं क्लियर देखेगा, देखना क्या आएगा, टी स्क्वायर टू टी प्लस थ्री थ्री टी प्लस टू टू प्लस टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस थ्री टी स्क्वायर प्लस 3t is equal to 0. तो t square, 4t square, 5t square, 5t square. एक तो ये गया, देखना एक बार ध्यान से, हाँ ठीक है, एक ये गया, दो तीन पाँच, ठीक है, 5t square plus 3t plus 2t, 6t, 6t plus 3t, 90, 3t, 2t, 5t और 3t, 8t, sorry, 8t आया प्लस इधर हमारा टू बचा इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, एक बार देख लेते हैं हम, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ। टू अपॉन टी वन प्लस टी, ओहो एक मिस्टेक हो गया, वही तो ये टू इधर, ये टू मिस हो गया ना, तो इट शुड बी टू। तो ये टर्म तीन टर्म, दोबारा मैं इसको हटा रहा हूँ, ये टू इससे मल्टीप्लाई था तो ये टू टी स्क्वायर हो गया, ये 60 हो गया और ये 4 हो गया, अब करेक्ट है, ठीक है ना, ये 2 मिस कर दिया था हमने। चलो तो 2t स्क्वायर t स्क्वायर 3t स्क्वायर 6t स्क्वायर, फिर 6t प्लस 3t 90 और प्लस 2t 11t, ये 4, बस 4 ही है इधर। तो अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 11 का स्क्वायर इज 121 माइनस 4 4 का 16 16 इंटू सिक्स, तो सिक्स इधर साइड में निकाल लिया, 16 इंटू सिक्स सिक्स इधर 36, सिक्स वन जो सिक्स प्लस 96, तो 121 माइनस 96 कितना बनेगा, 4 और 21 25 बनेगा अपॉन 2a, तो 12, तो माइनस 11 प्लस माइनस 5 बाय 12। तो इधर से मेरा क्या मिला, पॉजिटिव साइन लेने पे माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 अपॉन 12 माइनस हाफ, तो एक तो वैल्यू आई मेरी माइनस हाफ और एक वैल्यू मेरी आई माइनस लेने पे माइनस 16 अपॉन 12, तो माइनस 4 बाय 3 माइनस 4 बाय 3। चलो तो अब मैं, अब ये वैल्यू किसकी आई याद रखना, कंफ्यूज ना, ये x की वैल्यू नहीं है अभी हमारी, बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ठीक है ना, दिस इज वैल्यू ऑफ t, बट सॉल्व करना मतलब क्या होता है, मुझे x की वैल्यूज निकालना, तो मैं क्या लिखूंगा, t को बराबर करूंगा log x टू द बेस a, तो इन दोनों से मेरा क्या आया, देख इधर लिख लेता हूं मैं, log x टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो इधर से कितना आया, log को ओपन कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू ए की पावर माइनस हाफ, दिस इज माई आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन रूट ए, वन इन द सेम थिंग, तो एक्स की वैल्यू एक तो मेरी ये आई, सिमिलरली एक इससे आ जाएगी लॉग एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3, तो एक्स क्या आया, ए की पावर माइनस 4 बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर हो गए, ये दोनों आंसर देखो, तो फिर आंसर हम कैसे लिखें सर, वो भी हमारा आंसर है, ये भी आंसर है, आंसर कैसे स्पेसिफाई करें हम, देखना ध्यान से सुनना, if a is equal to 1 then x is this, if for a not equal to 1 x is only these two values, समझ में आया। तो जो आंसर है that depends on a dependent, एक पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है हमारा आंसर, ठीक है, तो समझ में आया। स्टिल अगर किसी को डाउट है कोई हेजिटेट मत करना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, डाउट्स आर वेलकम, इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें किसी भी स्टेप में डाउट आ रहा है फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, तो बिफोर दैट you just pause the video and copy this part, I'll rub this part board, ठीक है। आज हमें logarithmic inequality भी देखना है थोड़ा, at least we'll see the introduction part of it, actually जो questions हैं आज हमने जो कर रहे हैं ना वो थोड़ा time taking है, so maybe काफी time हो जाएगा हमको। एक और question था हमारा, क्या था क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ही माना जाएगा, इसको मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा तो मैं पूरा फ्लो बता दूंगा, काफी हद तक कर दूंगा, थोड़ा पार्ट छोड़ दूंगा लास्ट में,
तो तुम लोग मुझे व्हाट्सएप करना उसका फाइनल आंसर निकाल के। क्या दिया था उसने? उसने बोला दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, देन वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 24 टू द बेस 25 इन टर्म्स ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया जाए वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात कि डायरेक्टली तो मैं इसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज यहाँ जैसे मान लो कहने का मतलब मेरा ये, एक तो पहली बात इधर बेस भी अलग है, इन तीनों लॉग की बेस अलग है पहली बात। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि जो भी नंबर्स इन्वॉल्व है ना उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, क्योंकि जब प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हो ना तुम तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आता ही है ना, कुछ ना कुछ तो मतलब जो शुरू के जो छोटे नंबर्स होते हैं 2, 3 वगैरह वो तो हर एक बड़े नंबर में आएंगे। तो मैंने बोला कि इसको मैंने कैसे लिखा देखना, पहले मैंने इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको लिखा लॉग, चलो थोड़ा इधर लिखते हैं, लॉग ऑफ 15 टू द 15 अपॉन लॉग 6। बेस मैं ले लूंगा अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, क्या लेना है उसके लिए 2 मिनट रुको। अब मैंने ले लिया बेस जिससे मेरे वेरिएबल कम यूज हो, मैंने 2 बेस ले लिया। बेस तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ जैसा कि मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ओवर कंपन। तो बेस मैंने ले लिया 2 इज इक्वल टू अल्फा, मेरे को ना मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फिर लिखा मैंने इस 15 को लिखा 3 × 5, इसको लिखा 2 × 3। अब क्या हो गया ऊपर लॉग, अब लॉग ए भी लगा दिया, लॉग 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग 5 टू द बेस 2 अपॉन, अब देखना इधर क्या आएगा, लॉग ऑफ लॉग 2 प्लस लॉग 3, तो लॉग 2 टू द बेस 2 इज 1 प्लस लॉग 3 टू द बेस 2 इज लॉग 3 टू द बेस 2, दिस इज गिवन एज अल्फा। अब मैं इसी तरीके से बीटा देख रहा हूँ, देखना ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैंने लिखा लॉग 18, 18 को क्या लिख सकता हूँ 3² × 2, तो 3² × 2 और अपॉन लॉग 12, 12 को क्या लिख सकता हूँ 2² × 3, 4 × 3 = 12, 2² × 3 टू द बेस 2 ले लिया दोनों में, बेस तो हम कुछ भी ले सकते बेस चेंजिंग करते, हाँ इतना है कि सेम लेना है। चलो अब देखना दोबारा, फिर मैंने वही वाली प्रॉपर्टी लगाई लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, तो मैंने अप्लाई हेयर, तो ये क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, लॉग ऑफ 3² प्लस लॉग 2 टू द बेस 2, तो लॉग 2 टू द बेस 2 तो 1 हो गया, प्लस लॉग ऑफ 3² तो वो 2 आगे आ गया, तो क्या आ जाएगा 2 लॉग 3 टू द बेस 2 अपॉन, थोड़ा मैं फास्ट ले भी बता रहा हूँ, बहुत काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हमने इसके, ठीक है। एंड मैं देख रहा हूँ लास्ट के 2-3 दिन से यू आर नॉट आस्किंग डाउट्स एनी, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ पहले तुम लोगों का डाउट्स आ भी रहे थे मेरे पास, बट फ्रॉम लास्ट 2 or 3 days आई एम सीइंग नो वन इज सेंडिंग एनी डाउट्स, नो वन इज आस्किंग एनी डाउट्स, सो लगता है जोश ठंडा अभी से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है अभी तो स्टार्टिंग हमें, अभी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, ठीक है। सो पूछो डाउट्स, फायदा होगा, अभी जितना लर्न कर सकते हो सीखो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेसिक्स पार्ट चल रहा है हमारा मैथमेटिक्स में। चलो अब आते हैं इसमें, तो अगेन लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2² तो 2 को आगे ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग 2 टू द बेस 2 विच इज 2। अब मैं ये दोबारा करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम गोइंग बिट फास्ट, व्हाई, बिकॉज दिस इज एक तो पहली बात होमवर्क क्वेश्चन है, प्लस दूसरी बात हमने इस टाइप की बहुत जगह कर चुका है, तो मतलब बहुत ज़्यादा जगह। फिर ये 2 एक बार कैसे आया दोबारा, लॉग ऑफ 2² और 2 आगे आ गया, तो 2 टाइम्स लॉग 2 टू द बेस 2 विच इज 2 इज प्लस लॉग 3 टू द बेस 2, दिस इज गिवन एज बीटा, क्लियर है। अब क्या किया हमने देखना, अब जो पूछा गया है उसको भी पहले लिख लिया, तो इसी तरीके से तो ये हो गया लॉग ऑफ 24, तो 24 को कैसे लिखूंगा 12 × 2, ये 12 था ना, सॉरी ये 12 है, 2² × 4 × 3, तो क्या हो जाएगा 24 को क्या लिखूंगा 8 × 3 था, तो 2³ × 3, तो log ऑफ 2³ × 3 अपॉन log ऑफ 25 इज 5² बेस 2, ये मुझे निकालना है। चलो अब ओपन किया अगेन, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 2³, तो क्यूब आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 2 विच इज 3, सो दिस इज 3 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2, लॉग ए भी लगाया है, लॉग ए प्लस लॉग बी, नीचे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ, हाँ इधर क्या आएगा 2 आ गया जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2,
ये मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। आप सुनना क्या किया, अब देखो, अब सुनना, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जब भी हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमें दो इक्वेशन चाहिए पड़ते हैं लीनियर, लीनियर तुमने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्या करो, एक मिनट के लिए मैंने क्या किया, ये log 3 टू द बेस 2 है ना, इसको x माना। अब ये तुम्हारे आगे जो सॉल्व करने वाला पार्ट है वो तुम लोगों को करके मुझे बताना है। ये y माना, तो सुनना मेरा, ये क्या हो गया, x plus y upon log 3 टू द बेस 2 x माना, तो ये 1 plus x is equal to alpha। इधर से क्या आया, 1 plus 2 log 3 टू द बेस 2 को क्या माना, x, तो 1 plus 2x upon 2 plus x is equal to beta। आप सुनना, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। अब करेंगे क्या, देखो यहां दिख रहा है 1 plus 2x upon 2 plus x है, इधर से क्या होगा मेरा, ये टर्म को उधर लेके जाओ, इससे क्या होगा मेरा x आ जाएगा बीटा के टर्म्स में, लिख लेना उधर, क्या बोलूंगा बोल रहा हूं मैं, इधर से मेरा इस वाले टर्म को इधर लेके गए, फिर मेरा इधर क्या आएगा, x आ जाएगा बीटा के टर्म्स में, उस x को इधर उठा के रख दो तो y आ जाएगा, तो इन दोनों से मेरा क्या आ जाएगा, x और y आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा। क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, फाइंड x, इन दोनों से क्या करो, फाइंड x कॉमा, इसलिए मैंने बोला था कंसीडर दीस टू एज लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, तो फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के टर्म्स में तुम x और y निकाल लो, एंड सब्स्टिट्यूट इन, एंड सब्स्टिट्यूट, एंड सब्स्टिट्यूट इन, अब देखना किस में करना है, इसको भी इसके फॉर्म में लिख लिया x और y के टर्म्स में, तो ये क्या लिखा, 3 प्लस 3 प्लस x अपॉन 2y, एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी अल्फा और बीटा के टर्म्स में, वही मुझे निकालना, ठीक है, क्लियर है। तो तुम लोगों का टारगेट है क्या, मुझे बताना है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। चलो, तो अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आज के आज पूछ लेना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, कैरी मत किया करो डाउट, ठीक है ना, कैरी करोगे तो बंच ऑफ बंच इकट्ठा होता जाएगा और आखिरी में ऐसी स्थिति होगी कि यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी फ्लो में यू शुड आस्क योर डाउट्स, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ते हैं कुछ थियरी पार्ट, ठीक है, तो इसको कॉपी करो पॉज करके, ठीक है, फिर मैं नया टॉपिक लेता हूँ, दैट इज इनइक्वालिटी, उसका हम एटलीस्ट बेसिक पार्ट देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम उसका बाद में देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टॉपिक डालो अब इनइक्वालिटी, और जैसे इनइक्वालिटी तो हमने पहले भी पढ़ा है, बट अभी क्या है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो प्रॉपर डालो उसको, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, क्या लिख रहा हूं मैं टॉपिक देखना, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो, अब देखो, जैसे एक मिनट पहले मैं तुमसे, चलो एक छोटा सा एक पॉइंट, चलो पहला पॉइंट लिख ही लेते हैं इसमें डायरेक्टली, मैंने बोला a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y, a सम नंबर, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन y, इज इट करेक्ट और नॉट, यू सजेस्ट थिंक इट, ठीक है ना, कुछ भी बोलने के पहले सोचना, मैंने बोला ये गिवन है, इफ a की पावर x इज ग्रेटर देन a सम नंबर, a सम कांस्टेंट, तो x y से बड़ा होगा, इज इट ट्रू ऑलवेज, पॉज करके तुम लोग सोचो, मैं बताता हूं, दिस इज नॉट ट्रू, क्यों, तो मैं काउंटर एग्जांपल ले लेता हूं उसका, काउंटर एग्जांपल लेने के लिए मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, 1 बाय 2 की पावर 2 लिया और 1 बाय 2 की पावर 3 लिया, देखना बहुत सिंपल से एग्जांपल से तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये गलत क्यों है। जैसे इधर मैंने देखा, क्या ये इनइक्वालिटी अभी ट्रू लिखा है, हाँ, मैंने कहा ये तो करेक्ट लिखा है ना, दिस इज 1 बाय 2 का स्क्वायर व्हिच इज 1 बाय 4, 1 बाय 4 तो 1 बाय 8 से बड़ा होता है, 1 बाय 8 तो छोटा होता है ना, चलो तो ये करेक्ट लिखा है इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी करेक्ट लिखा है। तो अब देखो, अगर मान लो ऐसा ट्रू होता, जो कि गलत है, अगर ऐसा ट्रू होता तो क्या होता, ये जो पावर लिखा है x ग्रेटर देन y, इधर क्या होता, 2 ग्रेटर देन 3, बट गलत हो रहा है ना, दिस ये तो ट्रू है, बट दिस इंप्लाइज 2 is greater than 3, this is wrong,
ठीक है। अच्छा अभी सुनना एक चीज और। अब मैंने एक और इसका एग्जाम्पल लिया जिसमें ये ट्रू होगा। जैसे मैंने देखा 2 का स्क्वायर ग्रेटर, सॉरी चलो 2 की पावर क्यूब ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। अब देखो ये तो करेक्ट है, 8 इज ग्रेटर देन 4, मैंने बोला इफ दिस इज ग्रेटर, ये तो ऑफ कोर्स करेक्ट है। दिस इंप्लाइज दिस 3 इज ग्रेटर देन 2 व्हिच इज आल्सो करेक्ट। तो यहां तो ये चीज लग गई, यहां नहीं लगी, ठीक है। ये वाली चीज जैसे a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y था तो x इज ग्रेटर देन y, तो a की पावर x ग्रेटर देन a की पावर y तो x इज ग्रेटर देन y, यहां तो लग गई बट यहां नहीं लग पाई। तो पॉज करके तुम लोग सोचो किस चीज पे ऊपर ये चीज डिपेंड कर रही है कि ये कब होल्ड करेगा कब नहीं करेगा, मैं भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा उससे पहले मैं बताऊंगा, उससे पहले तुम लोग इस पार्ट को कॉपी कर लो क्योंकि मैं इस पार्ट को रब करने वाला हूँ, ठीक है। चलो हाँ देखना मैं बोल रहा हूँ, अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग सोच लेना पॉज करके। मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन वाई इफ, अगर जो हमारा बेस है वो 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तब अगर उसके हमने जो पावर लिखा तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतना बड़ा नंबर होगा। बट यही चीज उल्टी कब हो जाएगी, जब बेस 1 से छोटा हो। इफ ए इज लेस देन 1 तब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। खुद सोचो अगर मैंने हाफ की पावर 4 लिया और हाफ की पावर 5 लिया, कौन सा छोटा होगा, ये बड़ा होगा नंबर। ऑल्दो नंबर तो ये बड़ा है, पावर में तो ये बड़ा है ये वाला, बट वैल्यू वाइज ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में हम पावर बढ़ाएंगे तो और नंबर छोटा होता चला जाएगा, क्लियर है। तो ये कब लिखूं मैं, x इज लेस देन y इफ a इज लेस देन 1, क्लियर है। तो हमें तुरंत ये देखते से ऐसे नहीं करना है x इज ग्रेटर देन y, नहीं, x इज ग्रेटर देन y कब, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन y कब होगा, व्हेन बेस इज लेस देन 1, ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट, इसको कॉपी कर लेना। अब एक लॉग का देखते हैं ना, मैंने बोला लॉग ऑफ x टू द बेस a ग्रेटर देन लॉग ऑफ y टू द बेस a, इसके लिए कल वाली थ्योरी रिकॉल करना तुम लोग, ठीक है। तो मैं बोला अगर ये ट्रू है देन, इफ दिस इज ट्रू देन, देन मतलब दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन y। पॉज करो सोचो कि ये सही है या गलत। तो मैं रिजल्ट इसके लिए क्या करो, कल वाली थ्योरी यूज करो जो मैंने कल बताया था लॉग के ग्राफ, उसको रिकॉल करो। तो एज ऑफ नाउ दिस इज रॉन्ग। क्यों ऐसा रॉन्ग है, देखो कल मैंने बताया था कि बेस अगर 1 से बड़ा है तब तो क्या होता है, लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, वो कब होता है, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। बट वही चीज उल्टी हो जाएगी कब, बेस इज लेस देन 1, अगर बेस लेस देन 1 होगा तो लॉग क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब x बढ़ाएंगे तो y घटेगा। तो अभी मुझे a के बारे में तो नहीं पता है ना, ठीक है, उसने बोला है कि ये लॉग की ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे, तो मैं बोल नहीं सकता ना x y से बड़ा होगा। कब बोल पाऊंगा, जब बेस 1 से बड़ा हो। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर उल्टा सोच लो, देखो अगर x y से बड़ा है, x अगर y से बड़ा है तो उनका log log x y log y से बड़ा कब होगा, जब बेस 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और वही चीज अगर a बेस मैंने 1 से छोटा ले लिया तो उल्टा हो जाएगा, तो x इज लेस देन y फॉर a लेस देन 1। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जो लॉगरिथम में जो भी हम पढ़ रहे हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंशियल, मतलब लॉग और एक्सपोनेंशियल में समानता है, ठीक है ना, दे आर इंटर रिलेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज। तो वही चीज इधर आ रही है, यू कैन इंटर रिलेटेड, जैसे इधर भी बेस है, बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारी इनइक्वालिटी का साइन, इधर भी हमारा बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है इनइक्वालिटी का साइन। कर क्यों रहे हैं हम ये, बेसिकली कर क्यों रहे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो हम इसके देखेंगे बिकॉज हमारा टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, बस मैंने इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया सो दैट यू कैन इंटर रिलेटेड। तो ये यूज कब होगा, जैसे मुझे दिया होगा लॉग, जैसे अभी हम एग्जांपल भी देख लेंगे, मैंने बोला जैसे चलो इधर एक छोटा सा एग्जांपल ही देख लेते हैं, मैंने लिखा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस 2 ग्रेटर देन लॉग ऑफ x टू द बेस 2, ऐसा कोई तो एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा है ये, तो अभी हम और भी कॉम्प्लिकेट देखने वाले हैं। मैंने लिखा लॉग ऑफ x, सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक तो कुछ प्रोसीजर होगा आगे जो हम देखने वाले हैं अभी, बट इस चीज का एप्लीकेशन देख रहे हैं इधर, इसका log of this is greater than log of this। अब हम पहले हमारी नजर कहां जाएगी, बेस के ऊपर, 2 है मतलब greater than 1, इसका मतलब क्या होगा x is greater than 1, तो इसके हिसाब से x मेरा क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स तो यही, तो इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको, और इसको तो हमें आता है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, वी आर रिमूविंग द लॉग, लॉग को रिमूव करके हम उसको एलजेब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, लीनियर या क्वाड्रेटिक वगैरह जैसा भी दिया होगा, समझ में आया। तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाएगा बेस पे, अगर बेस ग्रेटर देन वन है तब तो इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम। ऐसे याद रख लो इसको, इसको ऐसे इस तरीके से रटो, जब बेस वन से बड़ा है समझना तो है ही बट इसको रटना भी है, जब बेस वन से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंजेस। इधर शॉर्ट में लिख भी सकते हो, इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। चलो मैं लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, मैंने क्या बोला, इधर तो लिखो इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन एस आई जी एन चेंजेस, और इधर उल्टा लिख लेना साइन रिमेन सेम, किसका साइन, इनइक्वालिटी का साइन रिमेन सेम। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसी का हम एक और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट, कॉपी करना इसको ढंग से, थर्ड पार्ट, जैसे फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड हमारा देखना, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी ग्रेटर देन सी, एक इस टाइप का दे रखा है हमें, इसमें क्या करेंगे। चलो अभी तक मैंने बेस हर जगह बी ए लिया है, तो इसको मैं करता हूँ ए, चलो ए, ए ही बेस ले लेते हैं, ठीक है, हर जगह मैंने ए ही यूज किया है, तो आई विल कीप इट हियर ऑल्सो बेस एज ए। अब सुनना इसको कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने इधर किया कि बेस पे डिपेंड करेगा, बेस अगर वन से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम। तो मैं लॉग को कैसे रिमूव करूंगा, बी क्या करते हैं हम, बेस पे इधर लिखते हैं, फिर इक्वालिटी होता था वैसे ही ओपन करेंगे, ग्रेटर देन ए की पावर सी। कब ऐसा कब करेंगे, साइन कब चेंज नहीं होगा, वेल बेस इज ग्रेटर देन वन, तो इधर क्या लिखेंगे हम, ए इज ग्रेटर देन वन और बी इज लेस देन ए की पावर सी इफ ए इज लेस देन वन। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, कि ग्रेटर देन जीरो तो होना ही है, लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो तो होना ही है, क्योंकि बेस है ना वो पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, समझ में आया। लॉग ऑफ बी टू द बेस ए ग्रेटर देन सी है, तो हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, जैसे देखो इधर इक्वालिटी होता था, अगर इधर इक्वालिटी होता था लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी, तो हम बिंदास बी इज इक्वल टू ए की पावर सी लिखते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी कंडीशन रिस्ट्रिक्शन, बट इधर इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी है, तो इधर तो डिपेंड करेगा, साइन चेंज नहीं होगा और होगा, किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे, अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर बेस वन से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल और थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कल के लेक्चर में, तो एक या दो न्यूमेरिकल दे देता हूँ तुम लोगों के लिए कल के लिए, ठीक है, चलो उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर, इसको लिख लेना ढंग से। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल दे रहा हूं तुम लोगों को, जैसे एक ही न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से करना, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन इज लिखा है सॉल्व फॉर एक्स, इक्वेशन है 6/5 इंटू ए की पावर कैपिटल ए माइनस 3 की पावर कैपिटल बी इज इक्वल टू 9 की पावर सी, और ए बी सी के बारे में दे रखा है कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस 10 इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस ए, और कैपिटल बी हमारा बोल रखा है लॉग ऑफ एक्स अपॉन 10 टू द बेस 10, एंड सी दे रखा है, अगर इस क्वेश्चन को तुमने कर लिया ना पूरा, तो मुझे मान लो तुम्हारी प्रॉपर्टीज का हर एक पार्ट क्रिस्टल क्लियर है, मतलब तरीके से यूज होगी प्रॉपर्टी सारी, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन। सी पूरा लिख देते, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 100 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आई, मतलब सभी लोग मुझे इसका सॉल्यूशन ट्राई करके भेजना, ठीक है ना, आई विल एक्सपेक्ट सॉल्यूशन फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक तो कर सकते हो तुम, और ये समझ लो कि अगर इसको तुमने खुद से पूरा कर लिया आखिरी से शुरू से आखिरी तक, तो मतलब प्रॉपर्टीज तुम्हारी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नहीं कर पाते हो तो उसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है, नहीं आया तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आ गया तो ये परफेक्ट है कि तुम्हारा एकदम टॉपिक क्लियर है। एक बार मैं देख लेता हूँ डाटा करेक्ट है नहीं, 6/5 ए की पावर ए माइनस 3 की पावर बी 9 की पावर सी, कैपिटल इज लॉग एक्स टू द बेस ए इंटू लॉग ए टू द बेस 10 इंटू लॉग 5 टू द बेस ए लॉग एक्स बाय 10 टू द बेस 10 एक्स टू द बेस 100 प्लस लॉग, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देख लो एक बार यहां से यहां तक, ठीक
ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.